नमस्कार। आज की कहानी है जीवन की सांझ। सेठ धनीराम और उनकी पत्नी मालती देवी दोनों बड़े ही धार्मिक थे। उनका अधिकांश समय तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों में ही बीतता था। प्रभु की कृपा से उनका कपड़ों का व्यवसाय बहुत ही अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन विवाह के 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय बाद भगवान ने उनकी सुन ली और सेठ धनीराम के घर किलकारियाँ गूंजी। उनकी पत्नी को पुत्र हुआ। घर में बेटे के जन्म पर सेठ जी ने बहुत खुशियाँ मनाई, उत्सव का आयोजन किया और भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। बच्चे की परवरिश बड़े ही ठाठ से होने लगा। सेठ जी अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। मालती जी तो बेटे की देखभाल और उसे प्यार दुलार में सारा समय निकाल देती। दोनों पति पत्नी अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगे। उनका बेटा प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। प्रकाश पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। प्रकाश को ऊंची पढ़ाई के लिए उनके माता पिता उसे जर्मनी भेज दिए। प्रकाश अब साल भर बाद ही भारत आता। अब प्रकाश के माता पिता उदास रहने लगे। उनका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता। अब वो हमेशा अपने बेटे के आने का इंतजार ही करते और दिन गिनते। उधर प्रकाश की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे जर्मनी में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रकाश वहीं रहने लगा। अब वो भारत कम ही आता था। सेठ जी और उनकी पत्नी मालती फिर से अकेले हो गए। फ़ोन पर कभी कभार समय निकालकर प्रकाश अपने माता पिता से बात कर लेता था। सेठ जी प्रकाश को जब भारत बुलाते, वह समय नहीं है कहकर फ़ोन काट देता। इधर मालती जी हमेशा बीमार सी रहने लगी। अब उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। तब सेठ जी ने फैसला किया, क्यों ना हम बेटे से मिलकर आए। यह सोचकर दोनों लोग अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़े। दोनों लोग जर्मनी पहुंच गए। अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए और उन दोनों ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन रुककर ही चला जाए। वो लोग वहीं रुक गए, मगर वहाँ भी वे दिन भर अकेले रहते, प्रकाश का आने का इंतजार करते कि रात का खाना साथ में खाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं था। प्रकाश देर रात तक घर आता और ये कहता उसने बाहर खाना खा लिया है और अपने कमरे में चला जाता। जिस उद्देश्य से वे जर्मनी गए थे, वह भी नहीं पूरा हुआ। सेठ जी सोच रहे थे कि हम प्रकाश के साथ रहेंगे, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। प्रकाश को तो अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं था। सेठ जी और मालती जी यहाँ भी अकेले पड़ गए थे। दोनों लोगों को समझ आ गया था कि अब प्रकाश की दुनिया बदल गई है और उसकी दुनिया में माता पिता की कोई जगह नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद दोनों लोग भारत वापस आ जाते हैं। अब उनके चेहरे पे हमेशा उदासी छाई रहती थी, किसी तरह अपने बुढ़ापे को काट रहे थे। अब अपने बेटे से हर तरह की उम्मीद छोड़ दिए और ये समझ गए कि अंतिम समय ऐसे ही बीतना है। अब वो इस धरती से जाने के दिन गिनने लगे। प्रकाश भी अब भारत आना बंद कर दिया। उसके पास काम से फुर्सत ही नहीं था कि वह अपने माता पिता की हाल खबर लेता या उनसे मिलने आता। उसे तो बहुत पैसा कमाना था। कोई भी संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। प्रकाश तो बिल्कुल ही हृदयहीन हो गया था। ना ही उसके अंदर अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी थी और ना ही प्रेम। सेठ जी और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशी दी। अपने जीवन में प्रकाश की खुशी और उसकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में बिता दिया। पुत्र प्रेम के अलावा उन्हें कुछ न सूझा। बेटे के लिए उनका मोह उनके बेटे से उनको दूर कर दिया। उनका बेटा हमेशा अपने बारे में सोचा, कभी अपने माता पिता की भावनाओं और त्याग को नहीं समझा। इस तरह सेठ जी और उनकी पत्नी का बेटे से मोह भंग हुआ। सेठ जी को समझ आ गया कि संतान के लिए प्रेम उचित है, मगर किसी के लिए इतना मोह रखना हमेशा दुखी पहुंचाता है। मोह कभी न कभी टूटता जरूर है। सेठ जी अकेले जीवन बिताते हुए बहुत ही निराश हो गए थे। तभी उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपना कपड़ों का कारोबार, घर जमीन सब बेचकर अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में दान कर देंगे और दोनों लोग किसी आश्रम में जाकर अपना अंतिम समय भगवान के शरण में भजन कीर्तन करते बिता देंगे।
तभी अचानक कई सालों बाद प्रकाश आता है। वह बहुत परेशान था। वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह कंपनी बंद हो गई। वह घाटे में चल रही थी और कर्ज में डूब गई। प्रकाश की नौकरी भी चली गई। अब वह उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह भारत वापस आ गया। पिताजी के फैसले को जब सुना कि वह हमेशा के लिए किसी आश्रम में रहेंगे, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने माता पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है और अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि वह अब कहीं नहीं जाएगा, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाएगा और माता पिता की सेवा करेगा। सेठ जी प्रकाश को समझाते हैं कि किसी भी चीज़ से प्रेम रखना ठीक है, मगर मोह नहीं पालना चाहिए, नहीं तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तुम पैसे कमाने के चक्कर में अपने माता पिता को भूल गए, अपनी जिम्मेदारी भूल गए। ये पैसे का मोह तुम्हें अपने अपनों से दूर कर दिया था। इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।